हेलो एवरीवन, आई एम कपिल गर्ग फ्रॉम अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आरपीआईटी कॉलेज कैंपस करनाल। इन अवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड द स्पेक्ट्रल सीरीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वी नो दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देयर इज 7 rays exist. These waves are known as radio waves, microwave, infrared, light rays or visible ray we can say, and after that some rays like ultraviolet rays, x-rays and gamma rays. These are the 7 rays exist in electromagnetic spectrum. That's why it is called as spectrum, which means 7 rays. Now we are going to start that how the range of wavelength of these waves and what is the range of frequency of these rays and what is the source from which it originates and what are the uses of electromagnetic rays, electromagnetic spectrum. Clear? So now let us discuss about the first ray, that is radio waves. The range of wavelength of radio waves is a few kilometer to 0.3 meter, 0.3 meter से लेके कुछ किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है. द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विच ए फ्यू हर्ट्स टू 10^9 hertz, 10^9 hertz से लेके कुछ हर्ट्स तक इसकी रेंज होती है. और जहाँ से ये पैदा होती है वो क्या होती है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ऑसिलेट कर रहा हूँ वहाँ से रेडियो वेव्स को क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. एंड यूज़ क्या होता है इसका, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में. जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हमें टीवी में सिग्नल आते हैं, रेडियो में सिग्नल आते हैं, हमें सुनाई देता है, हमें दिखाई देता है, दीज आर द यूजेज ऑफ रेडियो वेव्स. ये रेडियो वेव्स के कारण हमें दिखाई देते हैं. सेकेंड रेज इज माइक्रोवेव. द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज 0.3 meter टू 10^-3 meter, एंड द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज 10^9 hertz टू 3×10^11 hertz. और ये भी कहाँ से, जो जो इसका सोर्स है वो भी क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. ठीक है, इसका यूज़ क्या है माइक्रोवेव का, रडार के एनालाइज ऑफ डिटेल्स ऑफ एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. माइक्रोवेव ओवन, जैसे कि हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवन को किस चीज़ के लिए, खाना पकाने के लिए, है ना, तो उसको खाने को गर्म करने के लिए, है ना, तो उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं. अवर थर्ड रेज इज इंफ्रारेड वेव. द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेज इज 10^-3 meter टू 7.8×10^-7 meter, एंड द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी विच इज 3×10^11 hertz टू 4×10^14 hertz, एंड द सोर्स फ्रॉम विच इट प्रोड्यूस इज, दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड हॉट बॉडीज. क्लियर, एंड द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दैट इज इंडस्ट्री मशीन्स, एस्ट्रोनॉमी, नाइट विजन डिवाइस, ग्रीन हाउस एंड रिवेलिंग सर्किट्स, राइटिंग्स ऑन एंशियंट वॉल्स. इट इज, दीज आर द यूजेज ऑफ इंफ्रारेड रेज. एंड फोर्थ रेज इज लाइट और विजिबल रे. द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ दिस रीजन इज 7.8×10^-7 meter टू 3×8×10^-7 meter. द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी 4×10^14 टू 8×10^14. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, जब एटम और मॉलिक्यूल कब, जब इलेक्ट्रॉन के होते हैं एक्साइट होते हैं, उस टाइम पे हम इस रीजन को गेन कर सकते हैं. और तो यूजेस की बात करें तो क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम विजिबल रीजन का यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वी हैव स्टडी इन आवर टुडेज लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग जो वेव्स और रेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.